हेलो दोस्तों, PSPCL पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंदर वैकेंसी आई सी जी। कलर्क की जो वैकेंसी आया सी तो वह मतलब कि ASSA की भी वैकेंसी आई हुई सी कि जिसका एको ही एग्जाम होना सी, क्योंकि कलर्क के तो दो एग्जाम होने से। तो हुण तुहानू पता कि कलर्क के दूजा एग्जाम होना वा, क्योंकि न्यू गवर्नमेंट बन गई, उन्हें एग्जाम करा ही देना वा। आ अगले मंथ तक तुहाडा पेपर हो ही जाना वा जी। तो ASSA की डाकूमेंट वेरीफिकेशन लिए उन्होंने कहा जी कि डाकूमेंट चाहिए ने, कि कैंडिडेट ने जाना जी, वो बारे में दसागा जी। तो बाकी कि तुम इन्हों की वैबसाइट पर भी जाके देख सकते हो जी, तुहानू नोटिफिकेशन ये सारा कुछ मिल जूगा। बाकी टैलीग्राम का लिंक साडे दा इसे ही वीडियो के अबाउट मिल जूगा, तुम उतो जाके भी PDF लै सकते हो जी। तो यह कि डाकूमेंट वेरीफिकेशन लिए बुलाया जा रहा वा, जिन्हों के भी कैंडिडेट के नंबर है जो क्वालीफाई आ सॉरी। तो बाकी कि डाकूमेंट चाहिए जी, आप बारे पहले आप गल करांगे जी। तो बाकी है कि जिन्हें अकाउंटेंट का तुम्हें पता है रेवन्यू अकाउंटेंट की तो हो गई सी डाकूमेंट वेरीफिकेशन, उन्होंने तो मतलब कि ज्वाइनिंग लैटर वाला काम रह गया हूँ। तो कलर्क के एग्जाम होने ने हूँ, तो जोड़े एग्जाम जिन्हें दो है जी उन्होंने एग्जाम होने दो, तो वो अपनी तैयारी कर लैन जी, जिन्हें नंबर वधिया बनते हैं। तो बाकी इन्होंने कि डाकूमेंट खड़ने जी, वो बारे आप गल करते हैं, मतलब कि तुम्हें नोटिफिकेशन भी वो मिल जूगा जिसे दसया गया कि डाकूमेंट वेरीफिकेशन होनी आ। तो यह है कि तुहाडा जन्मिति दर्शाता मैट्रिक हो, 10वीं का सर्टिफिकेट हो, जिते तुहाडी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो जी। तो यह है कि 28/7/2021 तक मतलब कि मैट्रिक का तुहाडा सर्टिफिकेट होना चाहिए वा जी, पंजाबी पास का, क्योंकि जिन्होंने एडिशनल भी ली होंगी जी उन्हों का ये तो पहला पहला सर्टिफिकेट बने होना चाहिए 10वीं का। तो मतलब कि जी विज्ञापन के अनुसार जो क्वालिफिकेशन दसी गई सी अकॉर्डिंग तुहाडी DMC मतलब कि सर्टिफिकेट होने चाहिए आ जी, अपना वैलिड ID प्रूफ हो, ठीक है। तो जेडे मतलब कि कोई अपनी कैटेगरी संबंधित आ रही SC ST OBC ना, तो वो अपना सर्टिफिकेट लियाणगे जी, मतलब कि अपना कैटेगरी वाला। तो यह कि वो मैं तुम्हें पहले दस चुके हैं जी, किदा के सर्टिफिकेट होने चाहिए वो भी तुम दसूँगा जी। तो जेडे सबका फौजी आ जी वो अपने डिस्चार्ज बुक, तो जरा LDC जो सर्टिफिकेट आ जी वो लैके आने के नाल, तो एक है कि सबका फौजी है तो उसके आश्रित बच्चों वालों अल्फिया बयान, मतलब कि जो मतलब कि सबका एक्सरसमैन के डिपेंडेंट आ जी, वो अपना जो मतलब कि दिखा रहे हैं मतलब कि उन्होंने कैटेगरी में भरया जी, वो अल्फिया बयान भी लाने अपना। जेडे स्वतंत्रता संग्रामी के पुत्र पोतरे पोतरिया दोते दोतरिया जी, ठीक है। तो वो आ जी अपना जो सर्टिफिकेट आ जी वो उन्होंने कापी पेश करनी पैनी आ जी, जेडे खिडारी आ जी तो उन्होंने जोड़ा भी सर्टिफिकेट स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट आ जी वो लैके आना उन्होंने, जेडे अंगी नाले आ जी वो अपना PW कैंडिडेट आ जी वो वाला लैके आने सर्टिफिकेट। तो जेडे इकनोमी वीक सैक्शन आ जी वो भी अपना EWS सर्टिफिकेट लैके आने जी। तो 1/1/2021 इस तो बाद जारी होना चाहिए जी जो सर्टिफिकेट, क्योंकि तुम्हें पता 1 साल की वैलिडिटी होंगी वो। तो कि सर्टिफिकेट तेजे कास्ट के हो गए जो कि मतलब कि स्ट्रक्चर दसा कि इदा के बने होने चाहिए आ फार्मेट च, तो जिदा दे इदा के फार्मेट नहीं है जी वो अपने बना के रख लैन, क्योंकि तुम्हें पता ता डाकूमेंट वेरीफिकेशन हो आ गई आ जी, जो तुम मेल के भी आ गया होगा डाकूमेंट वेरीफिकेशन आ जी। तो हूँ मैं तुहाडे सामने एक लिस्ट दिखाई आ जी, जो तुम PSPCL की साइट पर जाओगे तो लिस्ट भी दिखाओगे कि जिन्हें कैंडिडेट की हैगी जी डाकूमेंट वेरीफिकेशन है जी, वो कैटेगरी वाले है तो किन्ने नंबर आ जी, तो उन्होंने जी कमेटी वन ने मतलब कि वेरीफिकेशन करनी आ जी। तो उन्होंने हैगी जी डाकूमेंट चैकिंग 23 तरीक की आते, जिदन भी ताकि मतलब कि डाकूमेंट वेरीफिकेशन आती है जिनी तरीक दसी गई आ जी, तो 19 तरीक में उत्थे पहुँचने चाहिए हो। तो रिपोर्टिंग टाइम ता 9:30 का जी, जिते भी तुम दसिया जी उत्थे तुम पहुँचना जी। तो बाकी कितने पहुँचना जी, टैक्नीकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शक्ति विहार PSPCL पटियाले, ठीक है जी। तो बाकी तुम चीज़ा देख लो जी सारी चीज़ा। तो बाकी है कि जिदन तुम्हारी डाकूमेंट वेरीफिकेशन की डेट दसी गई उदन तुम जाना जी, जिदा सब तो पहली जी है जी वेरीफिकेशन की डाकूमेंट वेरीफिकेशन की डेट आ जी 16/3/2022। तो यह है कि कमेटी 2 ने ताकि मतलब कि करनी है जी डाकूमेंट देखने, ये तो सिर्फ तुम कोई सवाल जवाब नहीं किए जाने, सिर्फ तुम्हारे डाकूमेंट देखे जाने जी। तो जोड़े भी डाकूमेंट कैटेगरी संबंधित आ जी अपने डाकूमेंट बना के चलो जी, तो बाकी किसी गल का नहीं पता लग जा रही पूछ सकते हो। तो बाकी जिन्हों के नेम आए आ जी बेस्ट ऑफ लक सारे, तो वाहेगुरू मेहर करे कि सारे ही ज्वाइनिंग लैटर मिल जाए। तो बाकी जिन्हें भी कैंडिडेट है जी अपना देख लैन, तो अपनी तैयारी रखना उन्होंने।